नमस्ते। आज मैं अपने वीडियो में आपको कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स जो हम बाथरूम बनाते हुए करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। जैसे आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको दिखाया है कि वॉश बेसिन के नीचे एक वैनिटी बना है, तो यहाँ पर हमने एक चीज़ का ध्यान रखा है कि ये वैनिटी जो है इसमें 10 इंच का गैप है, तो इसके नीचे इजीली इसमें मॉपिंग हो सकता है, क्लीन हो सकता है। अदरवाइज वेट एरिया होने की वजह से यहाँ पर जनरली लोगों के बाथरूम ब्लैक हो जाते हैं। सेम चीज़ हमने WC में भी रखा है, इसके नीचे इजीली वाइपर चला जाता है एंड मॉपिंग करते हुए पोचा भी इजीली लग जाता है। एक दूसरी बात जो हमने बाथरूम बनाते हुए ध्यान रखी है कि हमने इसको दो जोन में डिवाइड किया है, वन इज वेट जोन एंड अदर इज ड्राई जोन। तो ड्राई जोन जब हम बोलते हैं तो इसमें इंक्लूड होता है वॉश बेसिन और आपका WC, और ये नहाने का एरिया है। इस नहाने के एरिया में आप एक चीज देखेंगे कि मैंने यहाँ पर टाइल को 1 सेंटीमीटर नीचे कर दिया है। देखिए मैं आपको क्लोजर लुक दिखाती हूँ, तो इससे क्या होता है पानी सिर्फ इसी एरिया में रहता है और ये स्प्रेड नहीं होता है पूरे बाथरूम में। एक जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बाथरूम में कहा था और मैं आपको ड्रेनेज खोल के नहीं दिखा पाई थी, तो ये देखिए ये हमने इसमें चिली की ड्रेनेज यूज़ की है, और ये बेसिकली एक पैटर्न होता है जिसमें टाइल कट के ऐसे फिट हो जाती है, और इसके साथ एक ये ओपनर आता है जिससे इजीली हम ओपन कर सकते हैं। और इसको प्लेस करने के लिए जस्ट एंड इट्स डन। सो इसका लुक भी अच्छा आता है। और मैं इस बाथरूम में आपको निश भी दिखा देती हूँ। इसमें हमने वाइट कलर का निश लिया है क्योंकि टाइल्स ग्रे कलर की थी, तो इसकी फील बिल्कुल ही डिफरेंट आ रही है।